हाउ इज एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ द मोस्ट फेमस रावत की कचौरी की शॉप से। जयपुर का द मोस्ट फेमस रावत रेस्टोरेंट। जयपुर की प्याज की कचौरियों के बारे में किसने नहीं सुना है, हर किसी ने सुना है। तो यही वो जगह है जहाँ पे वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस गरम गरम कचौरियाँ मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके पास मिठाइयों की भी बहुत सारी वैरायटी है। मैंने सबसे पहले अपने लिए ऑर्डर करी ठंडी ठंडी लस्सी और उसके साथ गरम गरम कचौरी। ये कचौरियाँ एकदम फ्रेश और एकदम गरम गरम थी। और जैसे कि आप एक कचौरी का साइज देख सकते हो, मेरा तो पेट ही फुल हो गया था पूरी एक कचौरी खा के। रावत रेस्टोरेंट का एड्रेस आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये स्टेशन रोड सिंधी कैंप में सिचुएटेड है और ये सुबह 6 बजे से खुल जाता है। अगर आपको जयपुर से बाहर कचौरियाँ ले जानी है, जैसे कि मैं लेके गई थी अपने साथ अपने घर वालों के लिए, तो आप इनको फ़ोन करके अपनी कचौरियाँ पैक करा सकते हैं और फिर वहाँ से या तो ऑनलाइन डिलीवर करा लीजिए या फिर खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ये पैकिंग भी काफ़ी अच्छी करके देते हैं ताकि इसे आप एरोप्लेन, ट्रेन, बस कैसे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गरम गरम कुल्लड़ वाला दूध भी मिल रहा था। इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ कचौरियाँ नहीं मिलेंगी, सारे स्नैक्स और प्रॉपर लंच भी मिलता है इस जगह पे। पर ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी कचौरियों के लिए। और वहाँ जाके मुझे पता चला था कि इनके पास घेवर भी मिलता है। घेवर भी बहुत तरह का मिलता है इनके पास। मैंने ट्राई करा था मलाई घेवर, देखिए देखने में ही कितना टेस्टी लगता है। खाने में तो एकदम सॉफ्ट था, मुँह में घुल ही गया था। घेवर के बाद एक जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जो मैंने पहले कहीं नहीं देखी है, वो थी मावा कचौरी। यहाँ पे मावा कचौरी भी मिलती है। सो गाइस, दिस वाज रावत की कचौरी फॉर यू ऑल। आप जब भी जयपुर आए, डू विजिट दिस प्लेस एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगा यहाँ पे जो जो खाने को मिलता है। अब रावत की कचौरी खाने के बाद हम जा रहे हैं जयपुर के मार्केट घूमने। हम सबसे पहले जा रहे हैं बापू बाजार घूमने, चलिए चलते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के सबसे फेमस बापू बाजार में, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे मुझे एकदम चांदनी चौक फील्स दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, बापू बाजार कुछ इस तरह का दिखता है। पिंक सिटी को पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की सारी पुरानी बिल्डिंग्स पिंक कलर की हैं। सबसे पहले एंटर करते ही ये जूतियों का स्टॉल था। यहाँ पे जूतियाँ बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अलग अलग कलर्स और वैरायटी की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹200 ओनली। यहाँ पे भैया कुछ अच्छे अच्छे इयर रिंग्स और अलग अलग नेक पीसेस बेच रहे थे। फिर यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे लटकन और तोरण मिल रहे थे जो ₹100 से शुरू हो रहे थे। इस मार्केट में आपको इतने सारे कलर्स दिखते हैं कि अगर आप थके हुए हैं तो ये रंग बिरंगे, ये सुंदर सुंदर वाइब्रेंट कलर्स देख के ही आपकी थकान मिट जाती है। और जयपुर की बेडशीट्स भी बहुत फेमस है। ये सारी कॉटन की बेडशीट्स ₹400 में मिल रही थी वहाँ पे। फिर ये बंदेज के दुपट्टे आए, इनका प्राइस उन भैया ने बोला था ₹250 का। यहाँ पे ये जूतियाँ और ये चप्पलें मिल रही थी जो ₹150 और ₹200 की थी। मैं जैसे मार्केट्स घूमती हूँ और मुझे प्राइजेस का थोड़ा सा आइडिया है,
उस हिसाब से मेरे को ये मार्केट अभी तक बहुत ही रीजनेबल लगा है। यहाँ पे ये फिर से बंधेज के दुपट्टे मिल रहे हैं जो बहुत ही प्यारे हैं 150-200 में, और ये कुर्तियों के कपड़े आप देख सकते हैं ये 300 से 400 रुपए में मिल रहे थे और बहुत ही अच्छा फैब्रिक था इनका। फिर आगे चलते चलते ये नेक्स्ट शॉप आई जो थी एक ज्वेलरी की शॉप। आप देख ही सकते हैं इनके पास कितने सुंदर सुंदर एंटीक और मिरर वर्क के इयररिंग्स हैं। ये सारे इयररिंग्स 150 रुपीस के थे। इस शॉप में सिर्फ इयररिंग्स नहीं, इनके पास बैंगल्स, पूरे पूरे सेट्स भी अवेलेबल हैं, नेक पीस, इयररिंग्स, मांग टीका। इस शॉप में बहुत ही एंटीक ज्वेलरी है और सिल्वर ज्वेलरी भी है इनके पास। यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हो रहा है 100 रुपीस से। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस है। ये होलसेल का काम भी करते हैं। इनकी डिटेल्स मैं राइट हैंड साइड में इनका कार्ड डाल दूंगी, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और इनकी यही शॉप नहीं है, इनकी 2-3 शॉप्स और हैं इसी मार्केट में। ये जयपुर से बाहर भी डिलीवर करा देते हैं। अब आते हैं हम इस बैग्स की शॉप में। ये बैग्स की शॉप एकदम ऑपोजिट में है उस ज्वेलरी शॉप के। इस शॉप में आपको अलग अलग टाइप के बैग्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइज, वैरायटी बहुत ही अच्छी थी इनके पास। ये सारे बैग्स आप देख सकते हैं ये 100-100 रुपये में शुरू हो रहे हैं और मुझे काफ़ी रीजनेबल लगे इस शॉप के प्राइस। आप यहाँ से बहुत कुछ ले सकते हैं गिफ्ट करने के पर्पस से। बैग वाली शॉप के एकदम सामने ये एक शॉप थी जहाँ पे डेकोरेशन का सामान मिल रहा था। ये शॉपकीपर भैया बहुत ही स्वीट थे, ये मुझे अपनी शॉप पे लेके गए और बोला कि मैडम आप खरीदिए मत, बस एक बार ये देख लीजिए। ये जो एनवेलप आप देख रहे हैं ये 30 रुपीस का था एक एनवेलप। इसको आप शादी में पैसे शगन देने के लिए भी ले सकते हैं और इसको अपने वॉलेट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ एक बहुत ही फेमस जूतियों की शॉप पे।
जैसे कि आप लोग जानते हैं जयपुर अपनी जूतियों के लिए फेमस है, तो मैं भला कैसे मिस कर सकती हूँ आप सबको जूतियाँ दिखाना। ये एक शॉप है बापू बाजार में, 39A टूरिस्ट शूज स्टोर। यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ मिलेंगी, अलग अलग डिज़ाइन, कलर, साइज सब मिलेगा। और इनकी स्टार्टिंग थी 200 रुपये से। सबका अलग अलग प्राइस है, मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस बता रही हूँ। फिर आगे आती है ये प्रेम चप्पल स्टोर। इनके पास भी जूतियों का कलेक्शन बहुत ही सुंदर था। देखिए इनका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मुझे प्राइजेस बहुत रीजनेबल लगे, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं तो ये बार्गेनिंग भी करते हैं। आगे मैंने इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी ऐड कर दिया है, अगर आप देखना चाहे तो आप इनको इंस्टाग्राम में भी ऑर्डर करके बुक कर सकते हैं और ये आपके पास आपकी जूतियाँ पहुँचा देंगे। अब हम आ गए हैं ये कपड़ों की शॉप में। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे सूट के कपड़े मिल रहे थे, 300 से 400 रुपए तक के। बांधनी के दुपट्टे थे बहुत ही सुंदर सुंदर, और बेडशीट्स मिल रही थी कॉटन की। बेडशीट्स का प्राइस स्टार्ट हो रहा था 450 रुपए से। ये वाली बेडशीट का प्राइस था 550 रुपए। ये बहुत ही प्यारा मधुबनी डिज़ाइन का सूट का सेट था जो कि 1550 का था, और ये था उसका कुर्ते का डिज़ाइन जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पे बांधनी की स्कर्ट्स मिल रही थी 250 रुपए में। तो ये था आप सबके लिए जयपुर का फेमस बापू बाजार। दिस इज माय डे वन इन जयपुर, दिस इज जस्ट द पार्ट वन ऑफ डे वन। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू, उसमें हम चलेंगे और घूमेंगे और मैं आपको ले जाऊंगी अपने साथ चौकीदानी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक वेरी सून।